हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताएंगे कि दशमलव संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। आप जब किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे, चाहे नवोदय हो चाहे अन्य कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, तो वहां पर इस तरीके वाले सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे और ये काफी ज्यादा आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से लगते हैं। जैसे यहां पर देखिए, हमने दो सवाल लिया हुआ है। पहला है, निम्न को भिन्न रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। यहां पर देखो, एक सवाल दिया है इसने और कहा इसको भिन्न रूप में बदल दो। किस रूप में? भिन्न के रूप में बदल करके तब सरल करो, और सरल करने पर फिर प्राप्त होगा जो, वो बताना है आपको। तो सवाल जो हमें दिया गया, वो दिया गया 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। देखा जाए तो बेसिकली इसमें सिर्फ प्लस और माइनस ही तो है भाई। ये दशमलव संख्याएं हैं, इनको जोड़ना घटाना इतना ही काम है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ ये लगा दिया कि भिन्न रूप में सरल करो, पहले इसको भिन्न में बदलो उसके बाद सरल करो। मतलब कि एक साथ आपसे दो काम करवा रहा, पहले तो दशमलव को भिन्न में बदलवा रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि अब उसको जोड़ो घटाओ। बात समझे? तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं। एक है 2 सही 9/20, फिर है 2 सही 9/10, 1 सही 9/10, 5 सही 9/20। अब देखो ये जो उत्तर दिए गए हैं, ये खुद ही भिन्न में दिए गए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना ये, मिश्रित भिन्न। तो इसका मतलब ये है कि हमको इसे पहले किसमें बदल लेना होगा, भिन्न में बदल लेना होगा। हम इसको सवाल को लिखते हैं भाई। यहां पे हल लिखा हुआ है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 और माइनस 3.80। बहुत सिंपल होता है दशमलव को भिन्न में बदलना, कुछ नहीं करना है, एक बटे वाली लाइन खींचना है और दशमलव को ढाई से उड़ा देना है, उसके नीचे एक यहां आ गया, जितने अंक हो उतने जीरो लगा देना। फिर इसको भी बदल दो भाई, उड़ गया ये, इसके नीचे एक आ गया, आगे दो अंक थे, दो जीरो, वही हाल यहां पे किया, ये उड़ गया, इसके नीचे एक लगाया, दो जीरो उड़ गया, ये नहीं रह गया अब यहां पे ये। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, 275 मिल रहा है यहां पे, है ना भाई, दशमलव गायब हो गया। 2.75 275/100, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 125/100 प्लस 475/100 और माइनस 380/100, सबके नीचे 100 आ गया ना। अब इस भिन्न को हमें हल करना है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर तो सबके पहले से ही बराबर है, तो हमको एलसीएम वेलसीएम लेने कोई लफड़ा है ही नहीं है, हम ऐसे ही जोड़ेंगे। देखो क्या करेंगे, 275 माइनस 125 प्लस 475 माइनस 380 पूरे का बटा, और बटे में कौन, 100, है ना बात अच्छी। अब जो प्लस वाले हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो भी आपस में जुड़ जाएंगे। अभी देखो ये प्लस में है ना ये वाला, और ये वाला भी, तो ये दोनों जुड़ेंगे। ये प्लस पॉजिटिव सोचते हैं, ये अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग आपस में जो दोस्त बन जाते हैं, और ये निगेटिव सोचने वाले हैं बुरे लोग, ये आपस में दोस्ती कर लेंगे भाई, है ना। तो ये प्लस वाला देखो, इसका चिन्ह प्लस है ना, और इसका चिन्ह यहां कोई नहीं दिख रहा है ना, यहां प्लस छिपा है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। देखो 5, 5, 10 के 0, फिर 7 और ये भी 7, 7, 7, 14, और एक हासिल 15 के 5, हासिल 1, 4 और 2, 6 और 1, 7, 50 आ गया ना। yes, sir. माइनस लगाओ, माइनस वालों को भी जोड़ लो भाई, 5 और 0, 5 आ गया, 8 और 2, 10 के 0, हासिल 1 ना, 1 और 3, 4 और 1 हासिल था 5, अब बटे कितना, 100। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो 750 में से 505 घट जाएगा भाई, घटाओ, अब तो ये प्लस में है ये माइनस में है ना, तो 10 यहां सुधार लाओगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा कितना, 4, 4 में से 0 माइनस होगा 4 उतर आएगा, यहां भाई 7 में से 5 गया कितना, 2, 245/100। अब इसको हमें काटना है, 5 से काट दो भाई, देखो इसके आखिर में 5 है, इसमें 5 से काट जाएगा ना, 5 चौके 20,
चार बचा है यहाँ, यहाँ लग गया 45 बन जाएगा ना, पांच नवा 45, पांच दूनी 10, पांच सुन्नम आ गया है 49/20। लेकिन दिक्कत ये 49/20 यहाँ कहीं लिखा नहीं मिल रहा ना, ये अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो क्या करना होगा, केवल 20 से भाग दे दो भाई, 20 से भाग दे दो किसको, 49 को, 49 को भाग दोगे 20 दूना 40, कितना बच गया, अब कुछ नहीं करना है, 2 सही 9/20 उत्तर आ जाएगा कितना, 2 सही 9/20 कहां वाला सही निकला भाई, पहला वाला 2 सही 9/20। कोई दिक्कत है ऐसे सवाल करने में, अगर आप चाहते तो एक जुगाड़ और था भाई, इसको भिन्न में ही तो चाहिए था, हम पहले ही जोड़ लेते बाद में भिन्न में बदल देते, वो भी हो सकता था, पहले ही इनको क्या कर लेते जोड़ लेते, अब बाद में जो जोड़ने पे आता उसको किसमें बदल देते भिन्न में, है ना। तो जो ये इतना ये फैला फैला दिख रहा है ये ना होता, करके दिखाए तो कहां पे कर दे, यहां पे कर दे, उधर तो भाई दूसरा सवाल है, हम इसको पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के लिए आपको हम इसको लिख देते हैं ऊपर नीचे करके 2.75, फिर प्लस वाला कौन है भाई 4.75, अगर दशमलव का जोड़ है तो ये ध्यान रखो दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए, ये जुड़ा है कितना हो जाएगा 5, 5, 10 के 0, 7, 7, 14, 1, 15 के 5, है ना, दशमलव आ गया 4, 2, 6 और 1, 7, 7.50 ये हो गया, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते, कौन कौन, ये दोनों है ना, 1.25 और कितना है 3.80, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5, 8, 10 के 0, 0.5 आ गया, 3, 1, 4 और 1, 5, ये हो गया माइनस वाले का, है ना, और ये हो गया किसका, प्लस वाले का, प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दो, मतलब कि 7.50 में से घट जाएगा 5.005। अब यहां से उधार लाओगे 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 4, 4 आ गया, और ये दशमलव से उतर आया 5, 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2 आ गया, तो 2.45 आया। अब इसको जो है आप बदल दो भिन्न में, 2.45 है ना, लाइन खींचो दशमलव उड़ाओ, इसके नीचे एक लगाओ, दो अंक है 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया 245/100। अब 5 से काट दो इसको, 5 चौको 20, 5 नवा 45, 5 20 100, देखो 49/20 आ गया ना वही वाला, इतने छोटे में ना, हाँ तो ऐसे भी कर सकते थे। अब इसको अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये भी आ जाएगा 2 सही 9/20, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है भाई, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दो और उसके बाद उसको भिन्न में बदल दो, काम खत्म, है ना। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है इस तरीके के क्वेश्चन, ये मान लो पक्का आना ही आना है, देखोगे जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है उसमें इस तरीके वाला सवाल एक तो पक्का ही पक्का है, ये समझ लो आपका फिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आउट हो गया है उसके द्वारा, ये तो आना ही आना इस तरीके का आएगा जरूर, भले से क्या होगा थोड़ा सा नंबर बदल देंगे, है ना। क्या है सवाल, ये भी 23,200 भाग दिया जा रहा 45 से, 23,200 को 145 से भाग देते हैं तो 160 आता है, कितना आता है 160। ये पहले से दिया हुआ है और ये दिया किस लिए जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि आगे जो सवाल आपको दिया गया है उसमें इसका आप यूज कर लो और ज्यादा मेहनत आपको करना ना पड़े, समय आपका ना बर्बाद हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे सवाल ये है 23.2 को भाग देना 1.45 से, तो सीधा इसी को जुट जाते हैं भाग देने में और भाग देते थे परेशान हो जाते हैं, तो ये आपको मेहनत करने ना पड़े ज्यादा, इसलिए जो है ये देते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, यदि 23,200 / 145 = 160 होता है तो आप 23.2 / 1.45 का मान ज्ञात करो। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये जो दिया है यहाँ पे अंक तुमको, आपको देखो यहाँ वैसे ही दिख रहे हैं, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 4, 5, अंक वही है ना, सिर्फ दशमलव का खेल किया गया है, किसका खेल किया गया है, दशमलव का। तो चलिए हम लोग दशमलव से खेलते हैं, यहाँ पे हल इसके देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं, है ना, चारों में से देखते हैं कौन सही होता है,
पहले अपने जो दिया हुआ है इसको ले लेते हैं और इसको ले, पहले इसी को लेते हैं। कितना है भाई? 23,200। इसको भाग दिया है कितने से? 100। और जब भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 160 आ जाता है। ठीक है बेटा, आप इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे लिख लो, 23,200 भागे, बटा भी तो भागी है, 100 बराबर कितना? 160। 160 ना। अब देखो बेटा, जो आपको ज्ञात करना था उसमें क्या है? 23.2। ध्यान से देखो, अगर यहां कहीं दशमलव है? नो सर। जब दशमलव नहीं होता तो कहां पड़ा होता है? बाहर ना। मैंने बताया था अगर कहीं दशमलव ना दिखे जान लो यहां बाहर पड़ा है। ठीक है, तो 23.2 आपको ऊपर बनाना है। क्या बनाना है? 23.2, मतलब दशमलव जो बाहर पड़ा है उसको उठा के यहां लाना है। यहां लाना है। जब लाओगे बेटा यहां पे तो कितना अंक पार करा लाओगे? 1, 2, 3। मुसीबत की बात यह है कि जो नीचे मिलना है भाग में बटे में 1.45 है, इसमें 2 ही अंक पे आया है। इस वाले में ऊपर वाले में 3 अंक कह रहा पार करा के लाओ और नीचे वाले में कह रहा है 2 ही अंक पार करा के ले आओ, है ना? Yes, एक चीज दिमाग लगा के इसमें देखो, उधर 160 दिया है ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. और इधर जो चीज है अंश में उसमें भी 1 0 है ना? Yes, sir. अगर हम दोनों तरफ 10 से भाग दे देते तो इसका 1 0 इसके 1 0 से कट जाता ना? Yes, sir. भाई 10 से इधर भाग दोगे तो इसका 1 0 खत्म हो जाएगा और जो इधर भाग दोगे तो उधर भी दोगे। अब क्या मिलता? मिलता भाई 2320 बटे 145 बराबर इधर कितना बचा? 16। अब ध्यान से देखो, हो गया सारा काम भाई। 2 के बगल 23.2 बनाना है, 23 यहां है, 0.2 दशमलव यहां पे लाना है। अभी कहां? यहां बाहर पड़ा है ना? यस सर। इसको उठा के लाना है 2 अंक इधर। कितने अंक? 2। अगर ऐसा करोगे तो तुमको नीचे भी वैसा करना पड़ेगा। यहां भी 0.2 कहीं है? नहीं है। कहां पड़ा है? बाहर। इसको भी उठा के ले आओ कि 2 अंक इधर पार करके यहां आ जाओ भाई। आ गए? अब कोई परिवर्तन नहीं। देखो 2 अंक हम ऊपर भी पीछे लाए हैं, 2 अंक नीचे भी लाए हैं। जो काम ऊपर किया वही काम नीचे भी किया, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। ये सही है हमारा। अब क्या हो जाएगा? ये हो गया 23.20 बटे 1.45 और ये बराबर किसके हो जाता है? 16 के। अगर आप ध्यान से देखो 23.2 और 23.20, इस जीरो कोई मतलब है? दशमलव के उस तरफ जीरो को कोई मतलब नहीं होता है। बस क्या होना चाहिए? होना यह चाहिए कि इस जीरो के बाद भी कोई अंक ना दिया हो। जीरो ही जीरो हो, चाहे 10 लगे हो, कोई मतलब के नहीं, सब बेकार है। समझ गए? हाँ, लेकिन जीरो के बाद अगर एक भी एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4, 1, 2, 3, 4 कुछ लिखा होता तो फिर इसका मतलब होता। समझ गए? तो अब देखो, हमें मिल चुका है कि 23.2 भागे, अब इसको फिर से भाग में बदल देते हैं, 1.45 का मान कितना आ जाता है? 16 आ जाता है। और देखो यही तो हमें निकालना था, 23.2 भागे 1.45 का मान कितना आ जाए? 16 आ जाए। कुछ इसमें किया गया हमने? भाई जो दिया हुआ था उसी को लेकर चले थे। केवल एक काम किया हमने भाई, हमने देखा कि 23.2 बन रहा और 1.45 बन रहा, मतलब दशमलव को हर वाले में दशमलव को 2 अंक पहले लाना है, 2 अंक पीछे लाना है, तो ऊपर भी हमको 2 अंक पीछे लाना, इतना ही तो काम था। yes, और दोनों ला लिए, अपने आप उत्तर आ गया। कहीं हमने इसको भाग दिया इससे? ये होता है दशमलव का खेल। और इसको तो एकदम दिमाग में बिठा लो, इस तरीके का एक सवाल आ गया है, ये जान लो आया, रखा है पहले से, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक।